संसद के बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के तेवर से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष का रवैया कैसा रहेगा। तीन तलाक विधेयक का आखिर क्या होगा इस सत्र में, क्योंकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सरकार पास करा लेगी। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या उम्मीद है आपको कि सहयोग मिलेगा? देखिए, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है और उम्मीद है हमें कि विपक्ष जो है वो ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन कर चुकी होगी और करेगी, और जो जो भी उनके पास तर्क हैं, किसी भी तरह का उनका लॉजिक है, उस लॉजिक को वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखें। उन्हें क्या इसमें ऑब्जेक्शन है, किस तरह की आपत्ति है, क्यों आपत्ति है, ये सारे सवाल उनके लिए संसद के सत्र में और संसद के फ्लोर पर रखने के लिए बहुत बड़ा मौका है। 24 घंटे में ही कैसे स्विंग होता है? सर्वदलीय बैठक में कुछ और सुर दिखाई दिया कांग्रेस का, और फिर खड़गे जी ने ये कहा कि ये नाम मात्र के लिए सत्र बुलाया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी कन्फ्यूज़ है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस रास्ते से चले। जब वो सरकार में थे तो हर दिन हिट विकेट होते थे, जब विपक्ष में आ गए तो नोबॉल कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए, इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इज्जत मिले, सम्मान मिले, कैसे मुमकिन दिखता है? कोई रोड मैप तैयार होगा, कैसे पास हो पाएगा बिल? देखिए, कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथियों ने, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को हाईजेक कर लिया है, और जिसका नतीजा है कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर वो बिल्कुल कुतर्कों से भरी हुई बातें कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार के लेवल पे कैसे प्रयास किया जाएगा विपक्ष को साथ लाने के लिए, समझाने बुझाने के लिए? हमारी पूरी कोशिश है कि सभी लोग उसमें चर्चा करें। हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप बिना चर्चा के पास कर दीजिए। आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट करिए। आपके पास कोई तर्क है तो तर्कों के साथ डिबेट करिए। हमने ये तो नहीं कहा कि आप हाथ उठा के पास कर दीजिए और बिल पास हो जाए। आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट डालने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट डालिए, उस पर डिबेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नकवी जी को सुना आपने, उनका कहना है कि अगर विपक्ष के पास जायज़ बात कहने का एक मादा है, मुद्दा है, तो उसको सामने रखना चाहिए, अमेंडमेंट लाना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले एक माहौल ऐसा विपक्ष को बनाना चाहिए जिससे बहस हो सके सदन में। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर अब भी कन्फ्यूज़ है। कैमरामैन प्रदीप सिंह रावत के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।